गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पंजाब प्रीवियस ईयर पेपर की बात करेंगे। पंजाब पुलिस की जो वैकेंसीज आई है उसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं बच्चों, उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। कोई लड़की है साक्षी, वो किसी काम को 20 दिन में करती है। साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। साक्षी किसी काम को 20 दिन में करती है। अब कहते हैं कि तान्या इज 25% मोर एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट देन साक्षी। तान्या जो है वो 25% ज्यादा एफिशिएंट है साक्षी से। ठीक है, कहते हैं हाउ मेनी डेज विल तान्या टेक टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए? कुछ बच्चे बोलते हैं सर 1 मिनट, कुछ बच्चे बोलते हैं 2 मिनट, लेकिन मैं कहता हूं इसको 20 से 30 सेकंड में सॉल्व कर लिए तो बहुत है। 20 से 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। देखो जरा ध्यान से, जब हम पढ़ते हैं बच्चों, क्या पढ़ते हैं भाई? टोटल वर्क। टोटल वर्क जो होता है वो होता है एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। देखो बच्चों, साक्षी जो है वो किसी काम को 20 दिन में करती है, तान्या जो है वो 25% ज्यादा काम करती है साक्षी से। तो अगर तान्या 25% ज्यादा कर रही है बच्चों, तो तान्या जो है और यहां साक्षी, मान लो साक्षी 100 कर रही होगी तो तान्या 125 कर रही होगी। हाँ या ना? ये क्या है बच्चों? ये है एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखो बच्चों, एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम टेकन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो एफिशिएंसी होती है बच्चों वो टाइम टेकन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब कहोगे सर ये क्या आप कह रहे हैं, तो देखो क्या होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है बच्चों एक दिन का काम, एक दिन में आप कितना काम कर रहे हो। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम। मान लो बच्चों ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी किसी काम को 3 दिन में करता है, तो टोटल वर्क जो होगा वो दोनों का एलसीएम होगा। बच्चों टोटल वर्क जो होगा वो दोनों का एलसीएम होगा। 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो अगर आप 4 दिन में 12 काम कर रहे हैं, मतलब आपकी एफिशिएंसी कितनी है? 3। और ये 3 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो यहां देख रहे हो एफिशिएंसी 3 थी तो दिन ज्यादा लग रहे हैं। अगर आप एक दिन में कम काम करोगे तो ज्यादा दिन लगाओगे ना काम को करने में। अगर आप एक दिन में ज्यादा काम करोगे तो कम दिन में काम समाप्त कर लोगे बच्चों। हाँ या ना? तो यहां से रिलेशन निकलता है कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। ठीक है, अब देखो यहां से मैंने 5:4 निकाल दिया तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा? 4:5। अब यहां ध्यान से देखिए जरा, कह रहे हैं कि साक्षी जो है वो 20 दिन में काम करती है। तो देखो यहां 5 यूनिट है, 5 यूनिट की जो वैल्यू है बच्चों वो है 20 दिन। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20 दिन। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 20/5, 4 दिन। अब आपसे पूछ रहा है तान्या कितने दिन में करेगी, तो तान्या का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों कितना? 4 यूनिट। 4 यूनिट का मतलब 4 × 4 दिन, 16 दिन हो जाएगा का? कितना होगा? 16 डेज। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे पेपर में जिनको आपको करना होगा। कुछ भी नहीं था,
देखो बच्चा दो ही चीजें हैं, एक है एफिशिएंसी, दूसरा है टाइम टेकन। एफिशिएंसी ज्यादा मतलब मान लो मैंने तुम्हें बोला दो आदमी हो तुम, ठीक है, एक घर बनाना है, ठीक है, घर जो है घर की लेंथ है 50 मीटर, ठीक है, एक बंदा एक दिन में 5 मीटर काम कर पाता है, दूसरा बंदा जो है वो 10 मीटर करता है। तो तुम ही सोचो बच्चा, जो 10 मीटर वाला है वो 5 दिन में काम करके चला जाएगा घर, और तुम 5 मीटर वाले हो तो तुम 10 दिन में काम करोगे। इसका मतलब जितनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उतने कम दिन लगेंगे, जितनी एफिशिएंसी कम होगी उतने ज्यादा दिन लगेंगे, ठीक है बच्चों, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो यहां पे मैंने उसी कॉन्सेप्ट को रखा कि अगर एफिशिएंसी ज्यादा तो टाइम टेकन कम, मतलब एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, ठीक है बच्चों, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, बस यही है कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या कहा कि साक्षी जो है वो 20 दिन में काम कर रही थी, तान्या जो है वो 25% मोर एफिशिएंट थी साक्षी से। तो मैंने क्या कहा कि अगर साक्षी 100, ठीक है, 100 काम कर रही होगी तो तान्या 125 करेगी, क्योंकि 25% ज्यादा कर रही है। तो 100 को मैंने 25 से काट दिया, 25 चौको 100, 25 पचे 100। मैंने यहां लिखा है टोटल वर्क जो होता है वो एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करने से बनता है। यहां देखो 4 है तुम्हारा नंबर ऑफ डेज, 3 है एफिशिएंसी, 4 × 3 ही 12 बनेगा, मतलब एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज को अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल वर्क बन जाता है। एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करने पे क्या बनता है, टोटल वर्क, ठीक। तो देखो बच्चा, अब मैंने इसका रेशियो निकाला 5:4, तो टाइम का रेशियो 4:5, ठीक। तो 5 यूनिट की वैल्यू 20 दिन है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 दिन है। तान्या जो है बच्चों, तान्या क्या कर रही है, 4 दिन लगा रही है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 4 = 16 दिन, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। कहता है कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 625 मीटर स्क्वायर, 625 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द कॉस्ट of lensing at ₹25 per meter? अब क्या होगा इस क्वेश्चन में, तुम जैसे बड़े अच्छे अच्छे जनता होते हैं वो क्या करते हैं ना कि बिना क्वेश्चन देखे अटेम्प्ट करके चले आते हैं, बिना क्वेश्चन देखे अटेम्प्ट करके चले आएंगे। वो यहां पे लैंग्वेज पढ़ने वाले नहीं है, वो क्या देखेंगे, भैया स्क्वायर फील्ड का एरिया गिवन है, एक का कॉस्ट इतना तो 625 का कितना। लेकिन कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यहां पे लेंसिंग बोल रहा है बच्चा, लेंसिंग, लेंसिंग का मतलब चारों तरफ कवर करना है, हमने बाउंड्री को कवर करना है। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, अगर मैं बात करता हूं कि ये है हमारे पास स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड का एरिया जो है वो है 625 मीटर स्क्वायर, ये क्या है बच्चों, एरिया। तो आपको पता होगा कि स्क्वायर की खासियत होती है कि चारों साइड बराबर होता है, स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं, तो a इंटू ए की वैल्यू 625 मीटर स्क्वायर है। अगर मैं a की बात करता हूं तो a इज इक्वल टू रूट अंडर 625, तो साइड कितना निकल के आएगा, 25 मीटर। साइड कितना निकल के आएगा, 25 मीटर। अब देखो बच्चों, लेंसिंग का मतलब होता है चारों दीवारों को ऐसे करके कवर करना है। तो जब भी चारों ओर बाड़ लगाने की बात होगी, चारों ओर कवर करने की बात होगी, तो वहां पे लेंसिंग का मतलब होता है बच्चों पेरीमीटर। किसी घर को चारों तरफ से घेरना है, इसका मतलब उसके परिमाप को घेरना है। अगर किसी घर की बाउंड्री को घेर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, पेरीमीटर कर रहे हो, ठीक है, चारों तरफ से घेर रहे हो ना। ऐसा थोड़ी है कि तुम
फ्लोर को घेर रहे हो, इसको थोड़ी ना घेर रहे हो भैया, तुम तो इसके बाहर से घेर रहे हो ना, तो जब भी बाहर से घेरोगे ना तो वहां पे पेरिमीटर रहेगा। जब भी आप बाहर से घेरोगे तो पेरिमीटर आएगा, अगर पूरे फर्श को ढकोगे तो स्क्वायर का एरिया आएगा, अगर आप पूरे फर्श को करोगे बच्चों तो एरिया आएगा, अगर चारों तरफ से घेरोगे तो पेरिमीटर रहेगा। तो पेरिमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड, ठीक। देखो बच्चों 4 × 25 कितना आ जाएगा 100 मीटर। अब देखो लेंसिंग कर रहा है 25 पर मीटर, तो अगर 1 मीटर की कीमत 25 रुपया है, तुम बता दो, तो 100 मीटर की कीमत कितनी होगी, 100 × 25 2500 रुपया, कितना होगा आंसर 2500 रुपया, ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है हाउ मेनी थ्री डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द नंबर्स 6, 1, 2, 3 विदाउट रिपीटेशन। देखो भाई मेरे, ये जो क्वेश्चन है बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपके पास 3 ही चेयर हैं बच्चों और 4 लोगों को बिठाना है, 3 चेयर 4 आदमी, कैसे बिठाओगे? सबसे पहले क्या करोगे, पहले चेयर पे चारों में से कोई बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चारों में से कोई भी आके बैठ सकता है। दूसरा चेयर है तो इसमें से तीनों में से कोई बैठ सकता है, और ये जो लास्ट वाला चेयर है इसमें से दोनों में से कोई एक बैठ सकता है। तो इसका मतलब कितने तरीके से बिठा सकते हो तुम, 24 वेज, कितने तरीके से बिठा सकते हो, 24 तरीके से इनको बिठा सकते हो। कहने का मतलब यह है कि पहले स्थान पर 6, 1, 2, 3 में से कोई बैठ जाए, दूसरे स्थान पर 1 को फिक्स कर दिया तो यहां पे 3 बंदे रह गए तो तीनों में से कोई बैठ जाएगा, लास्ट वाले प्लेस पे फिर दोनों में से जो बच गया वो बैठ जाएगा, ठीक है बच्चों। आपके पास कुर्सियां ही 3 है तो आप चारों को तो बिठाओगे नहीं ना, एक तो खड़ा रहेगा ना, तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब पहले पे 4 बैठ जाएगा, दूसरे पे 3 बैठ सकता है और दूसरे पे 2 बैठ सकता है, बस, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, पहले पे 4, दूसरे पे 3, फिर 2, 4 × 12 = 24। देखो बच्चा क्वेश्चन का लेवल कुछ हो नहीं है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन दे रहा है पेपर में, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, a^6/2 / a^8, तो हम तुम्हें ये फॉर्मूला होता है बच्चों a^m^n, फॉर्मूला क्या होता है a^mn, ठीक है, जो पावर होगी उसको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। a^6/2 तो 6 × 2 कितना बनेगा 12 डिवाइड बाई a^8, ठीक। अब देखो बच्चों, अगर आपको फॉर्मूला दे a^m/a^n, तो इसका फॉर्मूला होता है a^m-n, मतलब यहाँ a^12 डिवाइड के साइन है तो क्या हो जाएगा -8, 12 में से 8 जाएगा 4, ये बनेगा आपका आंसर। दोबारा बताता हूँ, समझ लो थोड़ा। देखो बच्चा a^m/n का फॉर्मूला होता है a^mn, मतलब जो यहाँ दोनों वैल्यू गिवन होगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहां 6 था यहां 2 था तो 6 × 12 मैंने लिख दिया, a^8 को यही रहने दिया, a^m/a^n = a^m-n, मतलब अगर डिवाइड होगा तो दोनों आपस में पावर माइनस हो जाएंगे, घात
घट जाएगी, 12 में से 8 गया 4, आंसर इज ए के पावर 4। ठीक है भाई, दिस इज योर क्वेश्चन, ए के पावर 4 इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई पाइप ए है जो 5 घंटे में किसी टैंक को फिल करता है, कोई पाइप बी है जो टैंक को 10 घंटे में भरता है, और कोई पाइप सी है जो 30 घंटे में टैंक को फिल करता है। आपसे कहा कि अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो कितने घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। तो कोई बात ही नहीं है, ये क्वेश्चन एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। बच्चा क्या करना है, सबसे पहला काम इन तीनों का एलसीएम निकालिए, 5, 10, 30 का एलसीएम निकालिए, एलसीएम आएगा 30। ये जो 30 एलसीएम आया है यही टैंक की टोटल कैपेसिटी है। क्या है, टैंक की टोटल कैपेसिटी है। देखो बच्चा, अगर ए अपने हिसाब से भरे तो 6 घंटा लेगा, बी अगर अपने हिसाब से भरे तो 3 घंटा लेगा, और सी अगर अपने हिसाब से भरे तो कितना लेगा, 1 घंटा। मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर अगर भरे तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 10, भरना कितना है 30, तो 30/10 मतलब कितने घंटे में भर देगा बच्चा, 3 घंटा में। ठीक है, कितने घंटे में भरेगा, 3 घंटे में। देखो अच्छा, क्वेश्चन बहुत ही इजी आता है। एक क्वेश्चन है बच्चों की, कोई क्रिकेट का गेम चल रहा था, टारगेट था 282 रन का, कितने रन का टारगेट था, 282 रन का टारगेट था। ठीक है, एक प्लेयर था जो 10 ओवर खेला और 3.2 के रन रेट से रन बनाया। ठीक है भाई, 10 ओवर खेला, 3.2 के रन रेट से रन बनाया। ठीक है, अब बताइए कि बचे हुए 40 ओवर में वो किस स्ट्राइक रेट से रन बनाए कि रन आपका चेज हो जाए। ठीक, तो देखो जरा ध्यान से, टोटल 50 ओवर का गेम था, 282 का टारगेट है, तो 282 में अगर 10 × 3.2 की बात करते हो तो 32 रन चेस हो गया 10 ओवर में। 10 ओवर में अगर 32 रन चेस हो गया बच्चों, तो चेस करना रहा कितना, 250 रन। जो 250 रन चेस करना है वो 40 ओवर में करना है, तो 250/40, 0 से 0 कट गया, 4×6=24, 6.25 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 6.25 के रन रेट रखिएगा तो मैच जीत जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं जो कि काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पर्सन क्रॉसेस, अ पर्सन क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट, लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स। व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहते हैं कि एक 600 मीटर लंबी गली है जिसको एक आदमी क्रॉस करता है, 600 मीटर लंबी गली है, 5 मिनट में क्रॉस कर रहे हैं, बताओ कि उसका जो स्पीड होगा वो किलोमीटर पर आवर में निकालना है। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूं 600 मीटर की,
तो 600 मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए तुम्हें 1000 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है भाई मेरे। 5 मिनट है तो 5 मिनट को अगर तुम आवर में चेंज करना चाहते हो तो 5/60, ठीक है भाई। ये बन गया 600/1000 इनटू भागा में ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, 60/5 यही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा? 60/5। अब देखो बच्चों, यहां 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 36/5 या कह सकते हैं 7.2 किलोमीटर पर आवर, ये बनेगा आंसर। कितना बनेगा? 7.2 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझो, दोबारा समझा देता हूं। 600 मीटर था बच्चा, तो आपको पता है कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो अगर 600 मीटर है बच्चों, तो 600 मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से भाग दे दिए। अब आपको पता है कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो हम क्या किए, 60 से इसको भाग दे दिए, मिनट को घंटा में बदल गया। 600/1000 गुना 60/5, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 36/5 आंसर इज 7.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही रखेंगे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट सेट में इसी तरीके के सेशन के साथ बच्चों। तब तक के लिए आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल को प्यार देते रहिए बच्चों। थैंक यू बच्चों।